हाय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा जो चैनल है इंफॉर्मेटिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एग्जीक्यूशन, इसमें स्वागत है। आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जो है स्टाफ सेटिंग के बारे में है, और ये स्टाफ सेटिंग प्रॉप से करेंगे। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये प्लेन एरिया के लिए है। वो सब डिटेल्स आने से पहले हम लोग थोड़ा ये ड्राइंग को रिफर करते हैं। ये कुछ नहीं है, ये चार स्टाफ है ए बी सी डी, जिसको टेम्पलेट से जुड़ा हुआ है। प्लेन में हम लोग ऐसे ही करते हैं, बट यहां जब करते हैं हम लोग टेम्पलेट से करते हैं, मतलब चारों स्टाफ को हम लोग टेम्पलेट से जोड़ लेते हैं। ये टेम्पलेट है बेसिकली स्टाफ का सेटिंग प्रॉप का द्वारा, जो भी फंडा है वो टेम्पलेट का पार टेम्पलेट का हिसाब से ही किया जाता है। इसकी डायमेंशन जो भी होता है वो टेम्पलेट का बराबरी माना जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, ये टेम्पलेट चारों हमने जोड़ा, अभी हम इसको काम करते हैं, ये टेम्पलेट को बीच से काट देते सभी में। तो क्या हो गया, ये जो स्टाफ्स है ये स्टाफ अलग हो गया ए बी सी डी। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जब अलग हो गया ये टेम्पलेट का हम लोग हटाने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, यहां प्रॉप जोड़ेंगे, मतलब प्रॉप यहां से आके जोड़ना है, इधर से आके प्रॉप से जोड़ना है। हमका प्रॉप इधर रहेगा, ये ऐसे आता है प्रॉप, ये भी ऐसे आएगा, इसका साथ ये ऐसे आएगा। ये जो प्रॉप का जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ये जब हम लोग जो पेक मार्क करते हैं, आपको पता होगा कि कहीं भी पीठ का हम जब चारों पीठ को मार्किंग करता है उसमें चार पेक दिया जाता है। जब हम लोग सस्पेंशन टावर के लिए भी करेंगे तो चारों पेक, दो लाइन पेक रहता है और परपेंडिकुलर टू दैट लाइन पे और दो पेक रहते हैं। एंगल टावर के लिए भी सेम ही होता है, आपको पता है। ये प्रॉप का मतलब है कि प्रॉप इज ए डिवाइस जो स्टाफ को होल्ड करके रखता है, और ये स्टाफ को हमको प्रॉप के सबसे प्रॉपर स्लोप में खड़ा करना पड़ता है। अभी हमने चारों अलग कर दिया, तो पहले काम करते एक कोई एक स्टाफ को फिक्स करना है, कोई एक स्टाफ मान लेते हैं, हम पहले डी स्टाफ को हम फिक्स कर रहे हैं तो बाकी को हम इरेज कर देते हैं। हम डी स्टाफ को ड्रॉ करते हैं, इसका ऐसे फ्रेंड्स से ऐसे प्रॉप रहते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये है प्रॉप, ये प्रॉप फ्लेंज फ्लेंज का साथ जोड़ा जाता है। सिमिलरली ये फ्लेंज में भी ऐसा एक प्रॉप इधर बाजू में रहता है। अब इस स्टाफ को सेट करने के लिए हम लोग को कुछ डायमेंशन का जरूरत है। वो डायमेंशन क्या है, पहले हमको हाफ डायगोनल ऑन टॉप ऑफ स्टब, ये क्या है, ये हमारा सीपी है। सीपी आप लोग को पता है सेंटर पॉइंट ऑफ द लोकेशन, ये सेंटर पॉइंट से ये स्टब का ये ऊपर, ये हो गया आपका हाफ डायगोनल। टॉप
और क्या करना है, स्लोप ऑफ स्टाफ, स्लोप ऑफ स्टाफ का पहले आपको पता है क्या, हमने एक्सप्लेन किया था स्लोप ऑफ स्टाफ कैसे करते हैं, यहां से उलम झुलाता है, फिर यहां इंटर डायमेंशन लेते हैं, यहां से वन मीटर नापते हैं, ये स्लोप ऑफ स्टाफ हो गया। इसके साथ क्या है, हाफ डायगोनल बॉटम ऑफ स्टाफ, ये टॉप हाफ स्टाफ हो गया तो ये भी बॉटम ऑफ स्टाफ हो गया, तो ये इसको क्या करना है, ये भी सीपी रिस्पेक्ट है, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो सीपी रिस्पेक्ट है, ये जो डायगोनल हो गया ये हो गया हाफ डायगोनल ऑफ स्टाफ एट बॉटम। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इसके बाद ये फ्लेंज है, ये वन फ्लेंज दूसरा फ्लेंज, ये दोनों फ्लेंज को अलाइनमेंट किया जाता है, मतलब ये दोनों फ्लेंज सीपी का रेस्पेक्ट सेम होना चाहिए, मतलब यहां से अगर ये डिस्टेंस हम नापे, ये डिस्टेंस और यहां से अगर ये डिस्टेंस नापे, मान लीजिए इसको मैं अगर सीपी को वो पकड़ता हूं, ये है और ये बी है, तो फ्लेंज का अलाइनमेंट के हिसाब से ओ ए इक्वल टू ओ बी होना है। और तीसरा क्या है, वर्टिकलिटी ऑफ स्टाफ होता है, वर्टिकलिटी ऑफ स्टाफ क्या होता है, मतलब ये स्टाफ को अगर मैं ऐसे अगर ड्रॉ करूं, यहां मेरा मशीन है, हम क्या करेंगे, ये मशीन में आप देखेंगे दोनों तरीका का कर्सर रहता है प्लस जैसा, आपको इसी पॉइंट से एक रस्सी आप एकदम सटा के रखिए, ऐसी सटा के रखिए, और ये जो वर्टिकल है, ये मशीन को जब आप नीचे उतारोगे फोकस पॉइंट को, ये वर्टिकल पॉइंट, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये इसका साथ एकदम मैच होना है, अगर ऐसा हुआ तो आपका वर्टिकलिटी ऑफ स्टाफ का चेक हो गया, मतलब स्टाफ इन प्रॉपर वर्टिकल अलाइनमेंट, ये बेसिकली हम लोग यही चेक करता है आपका स्टाफ सेटिंग में। इसमें ये जो आपका स्लोप ऑफ स्टाफ आप लोग को पता है, हम लोग का दो चीज को चाहिए, वो है हाफ डायगोनल ऑन टॉप और हाफ डायगोनल एट बॉटम। तो हाफ डायगोनल ऑफ टॉप ये कहां से मिलता है, ये बेसिकली हाफ डायगोनल ऑफ टॉप, हाफ डायगोनल टॉप ये मिलता है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टाफ सेटिंग टेम्पलेट ड्रॉइंग से, स्टाफ सेटिंग टेम्पलेट ड्रॉइंग, ये ड्रॉइंग में दोनों चीज रहता है, या गड़बड़ होने का चांस रहता है। इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें दो तरीके का डायमेंशन होता है, एक टॉप ऑफ टेम्पलेट, एक टॉप ऑफ स्टाफ, आपको टॉप ऑफ स्टाफ लेना है प्रॉप के लिए, टॉप ऑफ टेम्पलेट को लेके आप टॉप ऑफ स्टाफ को अगर सेट कर दिया तो आपका और स्टाफ तो सेट हो जाएगा बट टावर खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसके डायमेंशन अलग हो जाएगा। ये कभी कभी क्या होता है, टेम्पलेट ड्राइंग में दिया जाता है, नहीं तो कभी कभी टेम्पलेट ड्राइंग में आपको ऑन टॉप ऑफ टेम्पलेट दिया जाता है, आपको टॉप ऑफ स्टाफ कैलकुलेट करके लेना पड़ता है। अगर स्टाफ सेटिंग ड्राइंग आप लोग के पास नहीं है तो आप टावर इरेक्शन ड्राइंग को रिफर करिए, उसका जो फर्स्ट पैनल का ड्राइंग है उसमें आप देखेंगे, उसमें बैक टू बैक ऑन कॉन्क्रीटिंग लेवल में दिया जाता है, आप वहां से लेके बैक टू बैक कैलकुलेट करके सिर्फ रूट ओवर ऑफ टू उसका साथ मल्टीपल करेंगे तो आपको टेम्पलेट का फुल डायगोनल आएगा, हाफ के लिए उसको डिवाइडेड बाय टू करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कैसे इसको करना है, मतलब टेम्पलेट ड्रॉइंग से कैसे करना है,
अगर टेबलेट ड्राइंग नहीं है तो आपको टावर रिजेक्शन ड्राइंग से कैसे करना है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया आपका हाफ टॉप, हाफ डायगोनल ऑफ टॉप आपको मिल गया, बट टेम्पलेट ड्राइंग में कभी हाफ डायगोनल ऑफ स्टब एट बॉटम मिलेगा नहीं। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसको करने के लिए आपका फाउंडेशन ड्राइंग में टावर स्लोप दिया है, टावर स्लोप आपको दिया है, ये टावर स्लोप से आप स्लोप ऑफ स्टब कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब 5 मीटर स्टाफ का लेंथ में आपको 100 मीटर डिस्टेंस कितना है, से मान लीजिए मैं x पकड़ के लेता हूं, x डिवाइडेड बाय 5 मीटर लेंथ ऑफ स्टाफ। अगर आपका स्टाफ का लेंथ यू नो किसमें बिला मटेरियल से आपको स्टाफ का लेंथ मिल जाता है, इसलिए आपका बॉटम का स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, आपका स्लोप फुल स्लोप ऑफ स्टाफ करना है तो आपको क्या करना है, एक्स डिवाइडेड बाय स्टाफ का जो लेंथ है, अगर आपको 3 मीटर है जैसे मैं 5 मीटर लेंथ लिखा तो इसको 3 कर दीजिए, एग्जांपल खातिर मैं बोल रहा हूं, अगर वो 3.5 3.2 है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है अगर मेरा स्टब पूरा ऐसा है, उलम में ऐसे झुला दिया, यहां से मेरा कितना डिस्टेंस है ये हमको पता चल जाएगा, बिकॉज क्या है यहां से आपका फुल स्टॉप लेंथ यही है, ये आपका फुल स्टॉप लेंथ है, इसी सबसे आपको ये डायमेंशन मिल जाएगा। आपके यहां सीपी है, सीपी से आप इसको हाफ डायगोनल ऑफ टॉप ले लिया, दिस इज हाफ डायगोनल ऑन टॉप, तो हाफ डायगोनल ऑफ बॉटम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ डायगोनल एट बॉटम ऑफ स्टाफ इक्वल टू हाफ डायगोनल ऑन टॉप ऑफ स्टाफ प्लस स्लोप ऑफ स्टाफ ऑन फुल लेंथ, स्लोप ऑफ फुल लेंथ स्टाफ आपको क्या मिल जाएगा, हाफ डायगोनल ऑफ स्टाब ऑफ बॉटम मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर आपको ये दोनों डायमेंशन लेके आप सीपी पॉइंट में आपका मशीन खड़ा करिए, ये मशीन करने के बाद पहले आप बॉटम डायगोनल को फिक्स करिए, बॉटम डायगोनल को फिक्स करने के बाद स्टाब को आप फिक्स कर दीजिए, ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया, आपको टॉप डायगोनल में लेना है, इसके मतलब स्टाफ को आपको इधर झुकाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हाफ डायगोनल ऑफ टॉप बॉटम डायगोनल ऑफ स्टाफ से कम है, इसलिए आपको इधर झुलाना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं, ये आपका मशीन है, ये मशीन है, आपने क्या किया ए पॉइंट को तो फिक्स कर दिया, बॉटम ऑफ स्टाफ आप इसको अभी इधर झुला रहे, इधर झुलाने के बाद क्या आएगा, आपका ये डायगोनल तो आ ही जाएगा, उसका बाद ये आने के बाद
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका स्टाफ पूरा सेट हो गया। इसका साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ स्टाफ को भी चेक करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ स्टाफ आपने चेक किया, स्लोप ऑफ स्टाफ मान लीजिए मैच हो गया। मोस्ट ऑफ द केसेस बॉटम ऑफ स्टाफ अगर मिल गया तो वन झटका में आपको टॉप ऑफ मतलब हाफ डायगोनल ऑफ बॉटम ऑफ स्टाफ अगर आपको मिल गया तो आपको हाफ डायगोनल ऑफ टॉप भी आ गया, तो स्लोप ऑफ स्टाफ मैच होना चाहिए। नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, इधर झुकाना है नहीं तो इधर झुकाना है, तो करके एडजस्ट करना पड़ता है। फाइन, और ऑफ फुल फ्रूट के लिए आपने स्लोप ऑफ स्टाफ को चेक कर लिया। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये दोनों हो गया मतलब आपका स्टाफ पूरा सेट हो गया, ऐसा नहीं है, फिर आपको फ्लेंज को अलाइनमेंट को चेक करना पड़ेगा। फ्लेंज को अलाइनमेंट किस लिए चेक करना है, नहीं तो क्या होगा, ये फ्लेंज इधर ज्यादा चला जाएगा। फ्लेंज का दो एक्सिस है, मैं बोला इधर एक एक्सिस से वाई, इधर एक एक्सिस एक्स। अगर आप फ्लेंज को अलाइनमेंट नहीं किया तो सही हो सकता है वाई एक्सिस का तरफ झुक गया, एक्स एक्सिस की तरफ कम हुआ, नहीं तो एक्स एक्सिस की तरफ झुक गया तो वाई एक्सिस की तरफ कम होगा। इसलिए क्या होगा, एक साइड में आपका जब आप ब्रेसिंग जोड़ने के लिए जाओगे तो वो बेल्ट मैच नहीं करेगा, इसका साथ एक फ्रेंज में बेल्ट का साथ ब्रेसिंग भी नहीं मैच करेगा, छोटा बड़ा होगा। इसलिए ये जो अलाइनमेंट है फ्रेंज अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। हमारा बहुत जो सर्वेयर भाई लोग है ये फ्रेंज अलाइनमेंट को चेक नहीं करता है, ये सबसे बड़ा गलती है जिसकी वजह से आपको हाफ डायगोनल मिलने का बाद भी कभी कभी टावर इरेक्शन सही से नहीं हो पाता है। इसका रीजन ये है कि इसका फ्रेंज अलाइन प्रॉपरली अलाइन नहीं है, जिसके मैं बोला था कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस आप टेप से नाप लीजिए, दोनों तरफ बराबर आ गया तो फ्लेंज बराबर अलाइनमेंट है। और एक भी है, वो क्या है, आप ये फ्लेंज का इधर से टेप रख लीजिए, मेजरिंग टेप। जनरली ये डायमेंशन क्या होता है, ये फ्लेंज जो डायमेंशन है इसका रूट टू होता है, मतलब अगर ये y है मान लीजिए a b c, तो a भी अगर y है तो आपको b c आएगा y रूट टू। आपका ये डायमेंशन मिल गया, आप ये दोनों डायमेंशन का सेंटर पॉइंट को मार्क कर दीजिए, फिर ये मशीन से आप देखिए ये जो आपका हिल का पॉइंट है मतलब जो वर्टेक्स है आपका ये पॉइंट, और ये जो मेजरिंग डायमेंशन जो आपने डायमेंशन मेजर किया इसका हाफ पॉइंट, ये दोनों सीधा लाइन में आना है। अगर आ गया तो आपका फ्लेंज अलाइन है। इसका जैसा मैं बोला था ये तो बहुत सिंपल फंडा है, इसमें कुछ नहीं है कि इसको मार्क करिए और इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा कि इसको दोनों तरफ डायमेंशन क्यों सीधा होता है, मतलब क्यों ये डायमेंशन और ये डायमेंशन स्ट्रेट होता है, इसका भी हम लोग एक वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि क्यों ये दोनों डायमेंशन सेम होता है। इसी हिसाब से अगर हमने इसी हिसाब से स्टाफ को सेटिंग किया तो आपका कभी भी स्टाफ सेटिंग होने का बाद प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें एक चीज है, जैसा जब आप यहां मार्क करेंगे ना, जब डायगोनल इसको नापेंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है मैं आपको एक बता देता हूं। मान लीजिए मेरी स्टाफ ऐसा है, हमने क्या कर रहे हैं, ये मेरा मशीन खराब हो गया, ठीक है, ये स्टाफ ऐसा रखा रहा है, ये ग्राउंड लेवल है। तो आपको क्या करना है, पहले यहां से आप देख लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल से ये स्टाफ का हाइट कितना है, से मान लीजिए एच वन है, ठीक है, और ये ग्राउंड से ये जो पॉइंट है जहां से आप डायमेंशन नापोगे इसका कितना डायमेंशन डिस्टेंस है,
ये मान लो H2 है। तो बेसिकली ये जो लेवल डिफरेंस है अगर मैं इस पे ओ ए बी ये ड्राइंग अगर ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या रहेगा ओ ए इक्वल टू एच टू माइनस एच वन होना है ठीक है। और इसमें क्या रहेगा ओ और ए बी इक्वल टू हाफ डायगोनल ऑन टॉप ऑफ स्टफ। इसलिए जब भी मशीन से टोटल सेशन से जब आप इसको नापेंगे ये जो डायमेंशन आएगा ओ बी वुड बी ग्रेटर देन ए बी। बेसिकली ओ बी क्या रहेगा ओ बी इक्वल टू रहेगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसलिए ये ओबी को अगर आप हाफ डायगोनल नाप के चलोगे और ये डायमेंशन लाओगे तो आपका गलती है। इसलिए जब भी आप मशीन से मेजर करेंगे तो पहले आप ऊपर से स्टाफ कितना हाइट में है उसका टॉप पॉइंट ये हिल कितना ऊंचा में है ये आप नाप लीजिए। इसके बाद मशीन का ऊपर से जहां से आप ये डिस्टेंस नापोगे ये नाप लेना दोनों का डिफरेंस ले लो लेके ये जो आपको हाफ डायगोनल ऑफ टॉप है इसका साथ इसको स्क्वायर करिए ये डिफरेंस का जो है इसको स्क्वायर करके समेशन करिए रूट करिए तब ये डायमेंशन आएगा। ये ध्यान में रखिएगा ये मतलब यहां से ये डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो ये कभी भी हाफ डायगोनल ऑफ टॉप ऑफ स्टाफ नहीं होगा ठीक है। तो आज यहां तक इसको खत्म करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि स्टाफ का ये जो मैं बोला था ये जो दोनों डायमेंशन कैसे सेम आता है ये हम आपको दिखा देंगे। आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं हम कि इसको शेयर करिए लाइक करिए मेरा हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए जितना ज्यादा से ज्यादा और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट भी देख बोल सकते हैं लिख सकते हैं जिसमें हमें भी पता चले कि आप लोग का रिक्वायरमेंट क्या है। तो थैंक यू।